अंडा पराठा बनाने के लिए हम लेंगे गूंधा हुआ गेहूं का आटा, 3 अंडे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अंडा पराठा फिलिंग बनाने के लिए अंडों में हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से फेटेंगे। अंडे में नमक और मिर्च अच्छी तरह से मिल चुके हैं और अब ये फिलिंग के लिए तैयार है। पराठे के लिए गेहूं का आटा हमने गूंथकर तैयार रखा है। एक लोई लेकर तिकोन पराठा बेलेंगे। गरम तवे पर पराठे को डालकर एक तरफ से हल्का सेकेंगे, फिर पराठे को पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हल्का ही सेकेंगे। इस तरह से परत को खोलकर अंडे का मिश्रण पराठे पर फैलाएंगे और पराठे की ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत को ढक देंगे। पराठे के ऊपर वाली साइड पर घी लगाएंगे। थोड़ी देर तक इसी साइड पर पकाएंगे जिससे कि अंडे का मिश्रण थोड़ा अंदर सेटल हो जाए। फिर धीरे से इस तरह से पराठे को पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। अब पराठे को दोनों तरफ से ही अच्छे से सेक लें। जब पराठा दोनों तरफ से सुनहरी सिक जाए तब अंडा पराठा तैयार है। अंडा पराठा को सॉस और चाय के साथ गरम-गरम परोसें।